हाँ तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल के लास्ट लेक्चर में जो जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे एक बार लिखवा सकते हो मुझे? यू बराबर क्या आया था? टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन में जी। इसे अपन ने क्या नाम दे दिया था? हाफ टाइम। ठीक है, एक कैपिटल टी आया था बच्चों, क्या था? टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इसे अपन ने क्या नाम दिया? फुल टाइम, या फिर क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा ऊपर से यहां तक आने में लगा टाइम, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोल दिया था मैंने, कितनी रेंज तक फेंका जाए, तो उसे अपन क्या बोला था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। और यहां से यहां तक की हाइट आई थी कितनी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। ये चार फॉर्मूले हमने ड्राइव किए, चारों फॉर्मूला पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन, अब कैसे कैसे टाइप के बन सकते हैं ना, चेक करते। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो टाइम का, टाइम के बारे में कुछ बता देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टी बराबर क्या आ रहा है, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। सुनना, अगर थीटा की वैल्यू क्या रख दूं मैं बच्चों, जीरो रख दूं, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? हाँ, इसका मतलब हो गया प्रोजेक्टाइल हुआ ही नहीं। सही बात है कि नहीं? ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कराने के लिए किसी एंगल पे फेंकना पड़ता है। तुमने 0 डिग्री पे फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, वो तो ये होगा कि यहीं से फेंका तो रगड़ाते हुए जा रही है, बोल रहा है, डेड बॉल कहते हैं जिसे। सही है। और देखो, ये तो वह प्रोजेक्टाइल की बात, हम बात करते हैं किसकी, हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। मुझे पता चल गया कि यू का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये बात बड़ी सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड किस चीज पे करती है, इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करता है इंपैक्ट ऑफ प्लेयर। कौन सा प्लेयर कितनी तेज इंपैक्ट से बॉल को या तो फेंक सकता है, या कोई भी मशीनरी पार्टिकल, कोई भी मशीनरी पार्ट किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंक रहा है किसी एंगल पर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी पावर पर डिपेंड करती है, उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। इसलिए यू तो क्या है मेरे लिए, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। जी क्या है, कॉन्स्टेंट। मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, मान लो कि एक मैंने ले लिया विराट कोहली, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ हार्दिक। ठीक है हार्दिक, कौन सा गेम पसंद है तेरे को हार्दिक? क्रिकेट पसंद है, ठीक है। विराट कोहली और हार्दिक को दोनों को एक बॉल दी गई और बोला कि तुम्हें बॉल फेंकनी है। विराट कोहली ने अपनी क्षमता लगाई, हार्दिक ने फिजिक्स लगाई, ठीक है, क्योंकि इसे पता है कि मेरी क्षमता विराट कोहली से तो कम है, और इसकी बॉल है ना विराट कोहली से ज्यादा दूर जाके गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सही एंगल पे फेंकी हो। तो सवाल ये भी पैदा हुआ कि बॉल दी गई और कितनी ऊंचाई पर बॉल कौन ज्यादा फेंक सकता है, तो बताओ हार्दिक फेंक सकता है या विराट कोहली? अब विराट कोहली फेंक सकता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पे फेंकने के लिए कितने एंगल पे फेंकना पड़ता है, तो वो चेक करते हैं अपन, है ना, कि हमारे पास टू गेन व्हाट मैक्सिमम हाइट। अब यू और जी दोनों को तो क्या मान लेता हूं मैं, और टू को भी कांस्टेंट, तो बचा कौन? टाइम की वैल्यू पता है क्या क्या हो सकती है, -1 भी होती है और एक +1 भी होती है थीटा की वैल्यू। तो साइन दो चीजों पर निर्भर करता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ वापस। साइन का ग्राफ है, साइन +1 भी हो सकता है और साइन, तो बस इतनी सी बात है, साइन 90 पे कितना होता है और साइन 270 पे कितना होता है, लेकिन अपन को तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसलिए अगर थीटा की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, +1। इसीलिए यू स्क्वायर अपॉन में 2g, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर एच मैक्सिमम, मतलब थीटा बराबर। अब बताओ हार्दिक ज्यादा दूर फेंक पाएगा या विराट कोहली?
विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का यू हार्दिक से ज्यादा होगा इम्पैक्ट, जी दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर बात करेंगे ज्यादा दूर फेंकने की, तो हार्दिक अगर जीतना चाह रहा है तो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, जिसमें से यू एंड जी को तो फिर क्या मान लेता हूं मैं कॉन्स्टेंट, तो बचेगा कौन। अब साइन टू थीटा की वैल्यू प्लस वन अगर मुझे चाहिए तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब टू थीटा बराबर किसके होना चाहिए, मतलब थीटा बराबर किसके हो जाना चाहिए 45, इसका मतलब एट थीटा बराबर 45 साइन टू थीटा बिकम पॉजिटिव एंड दिस आर विल बी कंसिडर एज यू स्क्वायर अपॉन में जी ओनली, आया कि नहीं। तो हार्दिक ज्यादा दूर फेंक पा रहा है, उसने सही एंगल पे फेंका, विराट कोहली के पास क्षमता ज्यादा, लेकिन अगर उसने 30 पे फेंक दिया तो उसकी बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। तुमने क्रिस गेल का नाम सुना होगा क्या करता था वो, पानी पिलाना क्या करता था बच्चों, क्रिस गेल बताओ, पावर हीटर, मतलब क्रिस गेल अगर चल गया तो 200 बार भी मार सकता है 30-40 गेंदों में, हर बॉल पे छक्का मारे, नहीं चला तो पहली दूसरी बॉल पे भी आउट हो सकता है। ऐसा कैसे, क्योंकि क्रिस गेल के पास क्या था, क्षमता थी, पावर थी, लेकिन उसके पास ट्रिक्स नहीं है, उसके पास क्या कहते हैं उसे, खेलने का एक्सपीरियंस तो है, उसके पास दबाव नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं है, वो मारेगा शॉट मारेगा या आउट हो गया तो ठीक है, नहीं तो जाऊंगा। तो क्रिस गेल का बाकी प्लेयर से अगर कंपेयर करें तो बाकी प्लेयर लंबा इसलिए खेल पाते हैं क्योंकि उनके पास टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक के साथ खेलते हैं, लेकिन क्रिस गेल टेक्निक के साथ नहीं खेलता। तो यहां पर ये जो यू है, तो कहते हैं कि अगर क्रिस गेल ने 15 डिग्री पे भी शॉट मारा है तो भी उसका यू इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत दूर जाके गिरती है बॉल, सही है। क्रिस गेल को 45 डिग्री पे शॉट मारने की जरूरत नहीं, लेकिन विराट कोहली को 6 मारना तो वो 45 डिग्री पे ही शॉट मारेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी इंपैक्ट इतना नहीं है जिससे बॉल सिक्सर के लिए जा सके, इसलिए वो टेक्निक यूज करता है हमेशा 45 डिग्री 45 या फिर 50 के बीच में एंगल बना के शॉट मारेगा। एक शॉट अपने देखा था ना इंडिया पाकिस्तान का, जब मैच चल रहा था तो उसने यहां वाला जो शॉट मारा था, कहते हैं कि यूजुअली वो शॉट पड़ता नहीं किसी से भी, किसी प्लेयर से नहीं पड़ता, वो खुद कह रहा है कि मैं ऐसे भी नहीं पड़ सकता था। अब मैं अगर प्रैक्टिस नेट में भी, अगर नेट प्रैक्टिस भी करूं और शॉट मारने की कोशिश करूं तब भी वैसा शॉट मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा जो उस दिन मैंने कर लिया। कहते हैं ना कि हजारों शॉट के बाद एक शॉट ऐसा मिलता, तो वो शॉट भी टेक्निक ही तो थी, वो टेक्निक बार बार रिपीट नहीं की जा सकती, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस काउंट, वहां पर एक्सपीरियंस काउंट होता है। लेकिन यही पर क्रिस गेल होता तो क्या करता, इतना घुमा के शॉट मारता कि बॉल खड़ी हो जाती। अब कीपर चाहिए बस कैच करने के लिए, क्योंकि जब ज्यादा ऊंची बॉल खड़ी होती है ना तो हर किसी से, पाकिस्तानी से तो बिल्कुल कैच नहीं होगा, वो उनके बीच में गिर जाएगी, 3 पाकिस्तानी खड़े हो ना तो भी बॉल उनके बीच में गिर जाएगी। चलो ठीक है, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, अगर मेरे को इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एच मैक्सिमम जो है वो 1/2 आया किसके, समझे क्या, ये रिलेशनशिप है किस किस में, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज के बीच का रिलेशन है। न्यूमेरिकल देखो बच्चों इसी का साथ में, क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली ने शॉट मारा तो उसकी आर मैक्सिमम जो मिली ना वो मिली है लगभग, अभी तक कितना लंबा शॉट मारा होगा उसने सिक्सर में, क्या लगता है अनुमान बताओ, 95 मीटर चलेगा, इतना मीटर का ही सिक्स मारा उसने मान लेते हैं आज तक, है ना, कम बता रहा शायद 117 ले ले मैं, क्या 117 मीटर का छक्का किसने मारा है, सबसे लंबा तो उसका होना शायद अफरीदी, शायद अफरीदी का लेते हैं ना, कितना है लगभग 140 के आसपास है ना। तो बताओ कि अगर रेंज शायद अफरीदी की इतनी है तो हाइट कितनी हो सकती है,
तो पता चला हाइट जो है ना वो रेंज की कितनी होती है बच्चों, तो मतलब 70 मीटर की हाइट तक का ही वो इम्पैक्टफुल शॉट मार सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। आज हमें यही बात, ये केस है अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए कि हाइट जो है ना मैक्सिमम, उत्तप्पा को जानते हो, रोबिन उत्तप्पा, अधिकतर शॉट उसके हवा में जाते हैं, बहुत तेज मारता है। रोबिन उत्तप्पा की हाइट आई 50 मीटर, तो बताओ वो छक्का कितना लंबा मार सकता है, आर मैक्सिमम कितना हो सकता है उसका, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 को, दैट मीन 100 मीटर उसका इंपैक्ट है 100 मीटर। ये बॉलर जब शॉट मारते हैं, शॉट मारने के बाद वो मीटर की लेंथ कैसे नाप लेते हैं, रेंज और हाइट, इसी फॉर्मूले से, प्रोजेक्टाइल से एक इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा जब बॉल हाथ से छूटती है और वहां तक तो पहुंचती है तो डिस्टेंस उन्हें पता होती है, यहां से यहां तक का टाइम देख लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड ऑफ द बॉल, बॉलर कि बॉलर ने स्पीड कैसे फेंकी, एक तो ये हो गया। फिर जब बॉल आती है तो उतनी स्पीड से बॉल बल्ले पे आएगी, और जब बल्ले से बॉल निकलती है और एक बार शॉट मारने के बाद जब नीचे गिरती है तो अपन को उसका इंपैक्ट पता चल जाता है कि यू इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, जी मुझे पता है, अब तुम्हें एंगल पता लगाना बस। तो बल्लेबाज जब शॉट मारते ना, इतना उनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल रखा, यू रखा, जी रखा, निकाल दी रेंज, एंगल रखा, यू रखा, जी रखा, निकाल दी हाइट, इतने हाइट पर बॉल गई, इतने रेंज पर बॉल गई, इतने मीटर सिक्स पड़ा है, इतना मीटर ऊंचाई है, सही है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले पर आधारित है सारे के सारे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मुझे बताना है तुम्हें वो ये कि आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, तो उसमें आर मैक्सिमम कितने पे होता है बच्चों, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो हमारा सवाल ये है व्हाट इज द हाइट एट मैक्सिमम रेंज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि तुम्हें हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या रखो, 45 रखो, तो हाइट की वैल्यू निकालते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2g, इसका मतलब u स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू का स्क्वायर बटे में 2g, फिर u स्क्वायर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2g, 2 2 जा 4, 1 बाय 4 u स्क्वायर अपॉन में g, अच्छा यू स्क्वायर अपॉन जी कौन था, तो ये वाला स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट में अंतर क्या हुआ, ये हाइट मैक्सिमम है जबकि ये हाइट मैक्सिमम नहीं है, ये एक्चुअली में यहां से यहां जब फेंका गया था ना बॉल को, तो ये मेरी क्या थी बच्चों, तो बोलते कि जब बॉल के शॉट पड़ी और ये मैक्सिमम रेंज पर पहुंची तो उसकी हाइट उस समय कितनी थी, जितनी भी इसकी रेंज थी ना उसका हाफ थी, फोर्थ टाइम, कहने का मतलब हो गया कि अगर आर मैक्सिमम मैंने अचीव, अच्छा आर मैक्सिमम अचीव किया पता कैसे चलेगा, व्हेन आई हैव यूज्ड 45 डिग्री एज एंगल, जब मैंने एंगल 45 डिग्री लिया होगा इसका मतलब मैंने आर मैक्सिमम यूज करा होगा, और जब मैंने आर मैक्सिमम यूज करा है तो इसका मतलब मेरी हाइट कितनी होगी, मान लेते कि 100 मीटर रेंज तक गया जब मैंने थीटा की वैल्यू 45 ली, तो उस समय मेरी हाइट कितनी रही होगी, वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, वो हाइट है एट दैट ऑफ टाइम दैट विल बी 25 मीटर, सही है, हम उस टाइम की बात करते, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये बता रहा है कि क्षमता, अगर वो 140 मीटर की रेंज फेंक सकता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर सकता है, हाँ ये अजम्पशन है, और ये अजम्पशन नहीं है ये फैक्ट है, ये अजम्पशन है कि एक रोबिन उत्तप्पा ने 50 मीटर की हाइट पर शॉट मारा है तो 6 मारने के लिए उसे कितना मतलब रेंज मिलेगी, तो पता चल गया कि मैक्सिमम 100 मीटर तक मार सकता है, इससे ज्यादा नहीं मार सकता, लेकिन ये क्या है कि अगर 100 मीटर की मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज अचीव की गई तो हाइट कितने हाइट पर बोल गई होगी, दैट विल बी आर बाई 4 25 मीटर, अगर क्वेश्चन आ गया कि आर जो है ना मैक्सिमम कितनी अचीव की गई है हमारे पास, मान लो 200 मीटर अचीव की है तो बताओ एच उस समय कितना रहा होगा, वो मैक्सिमम एच नहीं है ध्यान रखना, 200 में किसका डिवाइड कर दूंगा 4 का, आंसर कितना आएगा 50 मीटर, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, इसी केस के अंदर मैं किसको उठाता हूं बच्चों, हाइट को, अच्छा इसमें थीटा की वैल्यू क्या ले ली थी मैंने, जिससे एच कितना मिला था यू स्क्वायर अपॉन में जी, तो हमसे पूछा है कि उस समय रेंज क्या होगी, तुम बताओ उस समय रेंज क्या होगी, जब हाइट मैक्सिमम होगी तो उस समय रेंज क्या होनी चाहिए,
सोचो जरा, बॉलर ने बॉल बिल्कुल बॉल की तरफ फेंक दी, बॉल वापस कहाँ आएगी? तो रेंज कितनी हुई प्रूफ कर रहे हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। अच्छा यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं? साइन 90 थोड़ी है ये, कितना हो जाएगा? 180। अब बताओ साइन 180 की वैल्यू, आंसर क्या आया? जीरो। हजम हो गई बात, प्रूफ भी हो गया कि मैक्सिमम हाइट पर रेंज जीरो होती है, जबकि यहाँ पर मैक्सिमम रेंज पर हाइट कुछ ना कुछ होती है। मैक्सिमम रेंज की हाइट और मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में अंतर, रिलेशन, दोनों बात अलग अलग है। दोनों के अलग अलग क्वेश्चन लिखवा दूंगी एक बार, दोनों एक ही पेज पे लिखवा देता हूँ ना। क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, कलर व्हाइट लेता हूँ। क्वेश्चन है कि आर मैक्सिमम जो है वो है मेरा कितना? 150। तो एच मैक्सिमम कितना हो सकता है? वापस आर मैक्सिमम मैंने अचीव किया 150, तो उस समय की हाइट, हाइट एट दैट टाइम है ना, हाइट एट दैट टाइम दैट विल बी आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4, 150 बाई 4, 4 × 12, 4 × 7 = 28, समथिंग कुछ आएगा। लेकिन इसमें अगर आर मैक्सिमम दे रखा है और हाइट मैक्सिमम चाहिए तो सीधा क्या कर देंगे बच्चों अपन? हाँ, 2 का डिवाइड कितना आएगा? आए कि नहीं समझ में? ये हुई कहानी, दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये था प्रोजेक्टाइल का एक शरण और एक चरण, एक पार्ट। प्रोजेक्टाइल का अच्छा पार्ट एक ये आता है कि हमसे क्या पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्ट्री। तुम्हें पता जब मैं 11th क्लास में था ना, तब मुझे ये इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्ट्री का यूज ही समझ में नहीं आया जब मैं 11th में था। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो यही चीजें वापस पढ़नी पड़ी मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिकल ब्रांच में। असलियत में यही फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्ट्री ना सब निकाल के दे रहा था, ये फॉर्मूले से सब कुछ निकल रहा था। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या अपन ने एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल रखी थी ना? देखो टेबल के अंदर, इसमें एक्स की वैल्यू आई थी यू कॉस थीटा इंटू में टी, और वाई की वैल्यू पता है क्या थी? यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यही था क्या बच्चों? मैं क्या करूंगा, यहां से टी की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आएगी? और इसी टी की वैल्यू को उठा के यहां रख दूंगा, वाई बराबर यू साइन थीटा, एक्स अपन में क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हजम हो गई यहां तक बात, तो आगे चलो है ना, चुपचाप से लिखूं कुछ कुछ स्टेप, तुम्हें समझना है कि क्या लिखा। सही है, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख दिया है? यू से यू कैंसिल हो गया, जो बचा था लिख दिया। इन दोनों से कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है क्या तुम्हें? आ सकता है लेकिन है नहीं, तो मैंने क्या करा, टेन थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे क्या हो जाएगा? एक्स टेन थीटा बाहर लिया तो क्या बचेगा? 1 - 1/2 जी बचा, एक एक्स बचा, टेन थीटा तो बाहर ले चुका, नीचे क्या बच रहा है? हजम हो गई क्या बात? ये वाला स्टेप समझाऊं या ये वाला? ये वाला, मेरे को एक्स टेन थीटा दोनों से कॉमन चाहिए, यहां नहीं है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन कॉमन ले सकते हैं। इससे क्या हुआ कि एक्स और टेन थीटा तो बाहर आ गया, तो एक एक्स बच गया एक्स स्क्वायर में से, और कॉस थीटा और टेन थीटा एक साथ चल रहा है। कॉमन लेने के लिए ऐसे किया जा सकता है, मैं डायरेक्ट कॉमन लेके ऐसे लिख देता ना तब भी तुम्हें मजा आता, इससे अच्छा है मैं ज्यादा मजा नहीं देना सर, इसलिए मैंने पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं ना अपन। अच्छा आप देखो, ये वाला स्टेप तुम्हें समझना है बच्चों ना, मैं क्या कर रहा हूं। बोलो आया क्या?
क्या करा? ठीक है, तो ये वाला समझ के दिखाओ। बोला आया या नहीं? एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन, एक आंसर तो यहीं पर आ चुका था, ये वाला। मैं इसको लिख देता हूं, y बराबर x tan थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन माई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा फाइनल आंसर था। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी। लेकिन अभी भी मेरे को कुछ स्टेटमेंट लेके आना है अंदर। यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, बाकी कहानी यहां पर चल रही है। बोलो हजम हो रही है बात? अब बताओ ये टू साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये अपने लास्ट क्लास में देखा था, है ना, साइन टू थीटा। वाई बराबर एक्स टेन थीटा वन माइनस जी एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा? वाव, कभी फॉर्मूला देखा ये वाला? आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। उल्टा करो तो वन अपन आर बराबर क्या आ जाएगा? चलेगा क्या? तो बताओ यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन माइनस एक्स अपॉन ये जी यू स्क्वायर साइन टू थीटा, पूरी की जगह क्या लिख देता हूं? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी। मेरा आंसर तो यही आ गया था बच्चों, पहले कह दूं मेरा आंसर यही था, लेकिन मैं फिर भी यहां तक पहुंचा हूं, सोच समझ के पहुंचाऊंगा। एक और पूरा स्टेटमेंट देख लो, कहीं पर भी कुछ लगता हो कि बताओ सर, वापस से बता दूंगा। डेरिवेशन थोड़ा सा पटपटा सा चल रहा होगा, पहले यहां से वहां गए फिर यहां से इधर आए। दो बॉक्स बने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। मैंने लास्ट क्लास में जो चार फॉर्मूला ड्राइव करे थे ना, उन चारों का यूज सिखाया स्टार्टिंग में। अब एक और फॉर्मूला ड्राइव किया तो इसका भी यूज सिखाऊंगा। रेडी हो तो आगे चलो। हाँ अल्तमाश, अल्तमाश है ना ये वाला। ये यहां से ये कैसे है? ये जी अपॉन यू स्क्वायर और साइन टू थीटा को मैंने क्या लिखा? तो ये पूरा जो है ना, ये क्या लिख दिया? लिख दिया ना आर। बाकी एक्स तो चल रहा है, एक्स अपनी जगह पर है और ये पूरा अपनी जगह पर आ गया। दो फॉर्मूले आए, ये वाला फॉर्मूला उठा के बाद में लूंगा, पहले इस पर ही चर्चा कर लेता हूं। घूर लो एक बार इसको, पीछे यूज में लूंगा। डन। तो वाई बराबर आ रहा है मेरे पास एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर और कॉस, बस यही क्या? और दो भी तो होगा है ना, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला अभी भी निकाला, एक्स टेन थीटा बराबर क्या होता है? सुनना कहानी क्या है, यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल गए, तुमसे पता है क्या पूछ सकते हैं? तुमसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं। तुम बोल देगा कि यहां पर पहुंचते पहुंचते जो डिस्टेंस है ना, ये पूरी रेंज जितनी भी हो, ये मान लेते हैं 20 मीटर दे दिया, तो तुमसे क्या पूछ सकता है? वाई, जिसमें तुम्हें एंगल भी दे रखा होगा, तुम्हें यू भी दे रखा होगा, तुम्हें सब कुछ दे रखा होगा, तो तुमसे वाई पूछे। तो ये रहा वाई फॉर्मूला, इसमें थीटा रख दो और एक्स की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो, तो तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट में लेके कितने हाइट पे गया। थोड़ा कुछ और समझाता हूं, कहानी यह है कि क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बना रहा हूं मैं? ये क्या लग रहा है? कुछ तो बना रहा हूं। हाँ जी,
डेढ़ है। इस पेड़ से कोई जानवर गिर रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है? शिकारी, स्नाइपर? स्नाइपर नहीं है, शिकारी है जो अपनी राइफल लेके गया है। ये गिर रहा है, अगर ये वहीं होता तो ये ऐसे शॉट मारेगा और इसके लग जाएगी गोली। पॉसिबल नहीं है, पता क्यों? धरती मेरी माँ है। तो क्या तुम मान सकते हो कि गोली के साथ भी ऐसा होगा कि थोड़े टाइम बाद गोली ऐसे होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन, गोली का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, नहीं तो तुम गोली छोड़ो और अंतरिक्ष में। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? और शिकार कभी भी है ना भालू के ना बिल्कुल ऐसे दो घर छोड़ के बंदूक नहीं मारने आएगा उसके पास। वो दूर खड़ा होगा, स्कोप से देख रहा होगा, फिर शॉट मारा होगा और उस शॉट की वजह से वो गोली, इवन पबजी भी खेलते ना तो भी भागते हुए इंसान के ऊपर उसके माथे के भी ऊपर गोली छोड़नी पड़ती, तब जाके उसके साथी पे आके गिरती बॉल, बंदूक जो भी ये गोली है ना। सही है कि नहीं? मैं भी खेला हूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, तुम भी खेले होंगे। तो जब ये गिर रहा है तो गिरते हुए उसकी में मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया क्या बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी, ये बॉल चलाएगा, ये भी बंदूक चलाएगा, ये भी गिरेगा। तो उस समय ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी काम आती है, क्योंकि तुम्हें ना वहां पर इसकी हाइट जो होगी वो थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा। पता है कैसे? अभी इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से मान लो 100 मीटर है, मान लेते हैं, और जब तुमने बंदूक छोड़ी और इसके पास जब बॉल गिरी, कहते हैं कि अभी एस्टेरॉयड जो आ रहा था 15th of September को, कुछ नहीं, भिड़ने जैसा कुछ था ही नहीं। पता है क्यों? हमारी कैलकुलेशन जो है ना टेक्नोलॉजी के आधार पर, हमने जो फिजिक्स लगा रखी है ना वो हमारी अर्थ के हिसाब से लगा रखी है, जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम 9.81 लेते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशन हम हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमने कभी किसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्लेनेट से कैलकुलेशन थोड़ी ली है, या किसी प्लेनेट की वैल्यू को अपन वैल्यू पुट थोड़ी करते हैं, नहीं, अब हमारे द्वारा दी गई। तो हमारी कैलकुलेशन गलत साबित हो सकती है, ये एस्टेरॉयड ने बता दिया। एक्चुअली में अगर अपने फॉर्मुलेज या अपनी वैल्यू सही होती तो हम एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते थे कि किस टाइम पे एस्टेरॉयड अपन को दिखेगा। इन्होंने तो मौका ही दे दिया कि भिड़ेगा, जबकि उनका लाइन ऑफ एक्शन पाथ जो था वो कोइंसाइड कर रहा था। एस्टेरॉयड और अर्थ कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, इन दोनों के पाथ कोइंसाइड कर रहे थे कि ये अर्थ जा रही है, एस्टेरॉयड जा रहा है, ये पहले निकल गई, ये बाद में निकला। बस एक टाइम जरूर आएगा जब दोनों एक साथ मिलेंगे, वो पता नहीं कब होगा, अगर एक्चुअली में डंकी कैलकुलेशन अपने निकाल के रख ली तो आएगा वो दिन भी। ये समझ रहे हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहाँ यूज आती? थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन हो गए, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को और सिंपल तरीके से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखो, कहते हैं कि कलर चेंज करता हूं ना, नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास, y बराबर 16x रूट के अंदर 1 माइनस x अपॉन में 64, ऐसा क्वेश्चन था, और बोला गया है कि इसकी रेंज बता दो, 14, 16, 1 अपॉन 16, 1 अपॉन 64, ऐसा कुछ था, चार ऑप्शन थे। तो आंसर सीधा है, y बराबर किससे कंपेयर करोगे? x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r, तो r की वैल्यू किसके बराबर? सीधा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि y बराबर 16x स्क्वायर माइनस का x, और बोला कि इसकी रेंज बताओ, तो तुम्हें सबसे पहले 16x कॉमन लेना पड़ेगा ताकि इधर क्या बचे, ये x है शायद, हाँ यहाँ x स्क्वायर आएगा, तो तुम्हें x कॉमन लेना पड़ेगा 16x, तो 1 माइनस क्या बचा, या 16 नहीं है तो 16 का मल्टीप्लाई 16 का डिवाइड, समझ गए? अब इसका कंपेयर करोगे इसी फॉर्मूले से तो बताओ रेंज की वैल्यू क्या आ गई वापस, समझ गए क्या? ऐसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज में ली जाती है। ये था हमारा प्रोजेक्टाइल का
पार्ट जिसमें हमने जो पार्ट रीड किया है वो था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, कौन सा? ऑब्लिक। अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कैसे होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? कुछ खास नहीं है, बस ये कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से किसी बॉल को u वेलोसिटी देके फेंक दिया, तो क्या ये सीधी जाएगी? क्या नहीं, कैसे जाएगी? ऐसे नीचे गिरेगी क्या बच्चों? अच्छा नीचे गिरेगी, तो नीचे गिरते समय भी इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर, और उसी वेलोसिटी को अपन क्या बोल सकते हैं? वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। ये एंगल हो गया उसका अल्फा, मान लो थीटा एंगल पर ही ये आती है नीचे चलेगा। अब इसमें भी दो ही डायरेक्शन में हो रहा मोशन है ना, एक हो रहा एक्स में और एक इसमें वाई में। हम बात करते जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका, तो अच्छी बात ये है कि इसमें यू वाई तो क्या है और यू एक्स पूरा का पूरा क्या है, ये समझ में आया क्या? क्योंकि ऊपर तो फेंका ही नहीं मैंने, तो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स की वैल्यू यू है और यू वाई की वैल्यू कितनी हो गई? बहुत बढ़िया, एक पॉइंट पर आया जहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी। ये एंगल उसका इसका अल्फा, तो इसे अपन बोलेंगे वी एक्स, इसे क्या बोलेंगे? वी वाई। अच्छी बात यह है कि ये वाला जो केस है ना, तुम्हें पूरा याद होगा प्रोजेक्टाइल में सब कुछ लिखा था अपन ने, क्या है ये इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं क्या निकालता हूं बच्चों इसी का? एक्सेलरेशन है ना, ये तो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो क्या बच्चों इसका एक्सेलरेशन जीरो लिख दूं ए एक्स, और इसका क्या लिख देता हूं बताओ? इसमें प्लस का जी क्यों लिखा? क्योंकि इस बार मैं नीचे जा रहा हूं। इसमें जीरो क्यों लिखा? क्योंकि पहले से चर्चा कर चुके हैं एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम ही नहीं करता, एरोप्लेन नहीं है, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। अब मैं निकालता हूं बच्चों क्या फाइनल वेलोसिटी वी, तो वी एक्स बराबर क्या आएगा? यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई बराबर क्या आएगा? यू वाई प्लस ए वाई टी। तो बताओ वी एक्स तो होगा यू एक्स ही, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो वी एक्स ही क्या हो जाएगा? यू, और इसमें वी वाई बराबर कितना हो जाएगा? यू वाई जीरो है ना, जी टी, तो बताओ वी वाई कितना हो जाएगा? काम हो गया बच्चों अपना, बताओ कैसे? ये जो वी आएगा वो आएगा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू आई के प्लस जी टी जे के। बहुत बढ़िया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट। कर चुके हैं सारा का सारा सब कुछ पहले से। अब मैं इसमें भी दो चीजें निकालूंगा, बताओ क्या क्या? स्पेस नहीं मेरे पास इसलिए यहां लिख रहा हूं, एस बराबर यू टी प्लस, तो एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, और इसमें वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यू इंटू टी, क्योंकि ये तो जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा पूरा? यू टी। वाई बराबर यू वाई जीरो टी प्लस हाफ ए वाई टी, तो कितना हो जाएगा? वाई बराबर हाफ जी टी। बहुत बढ़िया, हाँ स्क्वायर है ना, देखो तुम्हें दिख नहीं रहा, बस हाफ जी टी स्क्वायर। एक चीज और देखना, y बराबर अगर हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है और x बराबर अगर यू टी आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से यहां जब जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस तो हो गई x बराबर कितना? यू टी, और ये डिस्टेंस होगी y, y बराबर कितना? हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या ये x ही रेंज है क्या बच्चों? मानते हो कि नहीं? और y ही क्या है बच्चों? हाइट। याद करो मोशन एंड ग्रेविटी में हाइट का फॉर्मूला यही आया था। तो कहानी ये हो गई है कि अगर h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर मिला है, तो ये हाइट फ्रॉम वेयर
विच इज गिवन। ये याद रखना बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। टॉपिक का नाम क्या था हमारा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसमें एक ही चीज हमेशा गिवन होगी, व्हाट? हाइट ऑफ टावर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के कोई केस बताना चाहोगे बच्चों मुझे कि ये केस बनते हैं सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के? पहला केस, टावर से किसी को फेंकना। दूसरा, मिसाइल छोड़ना चलते एरोप्लेन से या चलते MiG-59 से फेंकना मिसाइल्स को, है ना। और फूड पैकेट्स फेंकना, एक एरोप्लेन ऐसे चल रहा है और फूड पैकेट्स उसने फेंक दिया तो वो सीधा नीचे थोड़ी आएगा, इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इधर आके गिरेगा। कहते हैं कि अगर उसे यहां पर गिराना है तो वो पहले से फूड को छोड़ेगा ताकि वो फूड यहां गिरे। इसके लिए क्या पता होना चाहिए मुझे, क्योंकि उसे अपनी हाइट तो पता है, मैं लेवल से कितना ऊंचा हूं, सही है कि नहीं। तो फूड पैकेट इसलिए छोड़ा जाता है। क्या इसमें मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें से टी को क्या लिख देता हूँ? कैपिटल टी, क्योंकि इसमें आधा पूरा टाइम नहीं है, इसमें तो एक ही टाइम है, ऊपर से सीधा नीचे आना। तो कितना हो जाएगा? एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2h अपॉन में g बराबर t स्क्वायर, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2h अपॉन में g, इसे अपन क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को उठा के कहां पटक दूंगा मैं? इसमें t की जगह क्या लिख दूं? t 2h अपॉन में g, विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। रख दो इधर, x बराबर r हो जाएगा, r बराबर u रूट में 2h अपॉन में g। हाँ या ना? रेंज मिल गई बच्चों, क्वेश्चन ये आया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला याद रखना। एक हेलीकॉप्टर है बच्चों, जो फूड पैकेट छोड़ रहा है, हेलीकॉप्टर आगे की तरफ रन कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ है। ये वो इलाका जहां पर लोग फंसे हुए हैं, और उसे फूड पैकेट छोड़ना, तो यहां छोड़े या यहां छोड़े? ऑब्वियस बात है पहले छोड़ेगा। उसे अपनी हाइट भी पता है और उसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब तुम्हें रेंज पता होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट रेंज तुम्हें पता चल जाए तो वो किसका फॉर्मूला है? यू टी, यू टी, यू रूट में 2h अपॉन में जी। सारी कैलकुलेशन पहले हो ही होती है। कैसे? कि एरोप्लेन को पहले बताया जाता है कि तुम इतनी हाइट पे उड़ना, दो का मल्टीप्लाई होकर जी का डिवाइड करके रूट निकालना, फिर तुम्हारी वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हें रेंज पता चल जाएगी। एग्जांपल, तुम्हारी हाइट मान लो कितना है? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर काफी है, 10,000 मीटर ऊंचाई पर हो तुम, और 10,000 काफी रहेगा क्या? मेरे ख्याल से 2,000 काफी है बच्चों। 2,000 मीटर की ऊंचाई पर हो तुम हेलीकॉप्टर के साथ, ठीक है ना, और तुम्हारी इनिशियल स्पीड जो है हेलीकॉप्टर की कितनी मान सकते हैं अपन? 250 किलोमीटर पर आवर, 450 किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। तो मैं काम करूं किलोमीटर पर आवर ना लेके मीटर पर सेकंड में ले लेता हूं, फिलहाल बहुत ज्यादा हो जाएगा, 450 तो बहुत ज्यादा मीटर हो गया। तो मैं इसको एक काम करता हूं, पर सेकंड ये चल रहा है बच्चों हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, हर सेकंड में 15 मीटर चलना सही है हेलीकॉप्टर का, इतनी स्पीड तो हो सकती है। 450 तो बहुत ज्यादा, बुलेट ट्रेन को भी पीछे कर देगा, तो एरोप्लेन को भी पीछे कर देगा, MiG-59 को भी पीछे कर देगा 450 मीटर पर सेकंड। तो 450 मीटर पर सेकंड का मतलब 450 मीटर एक सेकंड में, बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा किलोमीटर पर आवर। तो अपन मीटर पर सेकंड में लेंगे, क्योंकि एमकेएस के अंदर काम कर रहे हैं ना, फिर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, इसलिए मैं मीटर पर सेकंड ले रहा हूं ना। हाँ, x बराबर पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, कितना है 2h अपॉन g, कितना आया? 2 × 2000, g की वैल्यू 10, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा? 400 का रूट 20 सेकंड। फिर तुम्हें x मतलब रेंज की वैल्यू कितनी है, ut, u की वैल्यू कितनी है? 15 × 20, 15 × 2 = 30, कितना आएगा? 300 मीटर है बेटा रेंज निकालिए, मतलब तुम उनसे 300 मीटर की जब रेंज पर होगे तो तुम्हारी हाइट इतनी होनी चाहिए, तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, तो तुम फूड पैकेट छोड़ोगे ना तो उधर जाके गिरेगा क्या? सच में गिरेगा क्या? उधर गिरना तो चाहिए, लेकिन अपने जी की वैल्यू क्या लिए बच्चों?
तो नहीं गिरेगा। जी की वैल्यू तुम्हें 9.81 लेनी पड़ेगी। या तो फूड पैकेट पहले गिर सकता है या फूड पैकेट बाद में गिरे। एग्जैक्ट वैल्यू भी तो रखना, अपना तो अप्रोक्सीमेट रखा है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास रेडियस है बहुत बड़ी, कि तुम जी की वैल्यू 10 रख सकते हो, वहां फूड पैकेट कहीं गिरे गिर जाएगा, अपने आप हाथ आ जाएगा लोगों के। और खाने वालों की कमी थोड़ी है, उधर उछल उछल के कैच कर सकते हो। समझ में आ गई कहानी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें निकाली अपन ने, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे भी हो सकता है कि इतने हाइट पे फेंका। अब इन दोनों को मिक्स कर दूं तो मिक्स, समझ रहे हो? आया समझ में? तो यहां से यहां तक तो क्या है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। फिर इस पॉइंट पर आती है, इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, वी, जिसकी डायरेक्शन होगी 2, वी एक्स आई कैप और एक। ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर इसका बन जाए तो अपन कर सकते हैं आसानी से, आसानी से कर सकते हैं। तो ये है डबल वाले क्वेश्चंस। कैसे वाले बच्चों? इसमें डबल मेथड यूज में लिया जाता है प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो प्रोजेक्टाइल में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो लीनियर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक क्या पढ़ा अपन ने, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल में फूड पैकेट आ गया, और क्या आ गया बच्चों हमारे पास, मिसाइल दागने वाली चीज आ गई, छत पे खड़ो के किसी को गोली मारना आ गया, है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ खत्म होता है। न्यूमेरिकल ट्राई करने के बाद मोशन इन 2D का एक चरण खत्म होता है, दूसरा चरण स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।